मधुबापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राम निरंजन जनता स्नातक कॉलेज मैदान में ग्रामीणों के सौजन्य से आयोजित 20 दिवसीय एमपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हरिणे ने मुजफ्फरपुर को 8 रन से पराजित कर शील्ड पर कब्जा जमाया। फाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हरिणे की टीम ने 20 ओवर में टुन्ना के सर्वाधिक 40 गेंदों में 72 रन के बदौलत 9 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में मुजफ्फरपुर की टीम ने 18 से 14 ओवर में सैयाकी के 32, चिरंजीवी के 17 रन के बावजूद सभी विकेट खोकर 109 रन पर सिमट गई। इस तरह हरिणे की टीम ने 8 रनों के अंतर से रोमांच मुकाबले में मुजफ्फरपुर टीम को पराजित कर दिया। कार्यक्रम में आयोजकों ने आगत अतिथियों को पाग व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। विजेता टीम के कप्तान सरोज आनंद को मुख्य अतिथि बिहार सरकार पर्यटन खान व भूतत्व एवं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र, एमएलसी सुमन कुमार महर्षि, विधायक सुधांशु शेखर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर, कपड़ा व्यवसायी बजरंगी प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से चैंपियन कप व 20,000 का चेक प्रदान किया। जबकि उप विजेता टीम मुजफ्फरपुर के कप्तान चिरंजीवी को एमएलसी सुमन कुमार महर्षि, विधायक सुधांशु शेखर, कपड़ा व्यवसायी चंदेश्वर शाह ने 15,000 का चेक व कप प्रदान किया। मैन ऑफ द मैच व बेस्ट बल्लेबाज का खिताब विजेता टीम के खिलाड़ी मुन्ना यादव को गणेश ज्वेलर्स के मालिक सीतारमन शाह व सीआई फुलगेंद्र ठाकुर ने प्रदान किया। श्रृंखला में वेस्ट कीपर का पुरस्कार मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट वेस्लर वेस्ट फील्डर का पुरस्कार मुजफ्फरपुर व हरिणे टीम को दिया गया। टूर्नामेंट एम्पायरिंग अशोक चंद्रा, अरुण कुमार मिश्र एवं अच्छे कमेंट्री के लिए प्रभुनाथ मिश्र, राजकिशोर शाह, प्रभास कुमार, राकेश कुमार नायक को आयोजक मंडल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच देखने के लिए भारतीय क्षेत्र के अलावा बड़ी संख्या में मित्र राष्ट्र नेपाल से दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। मौके पर वीडियो वैभव कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, थानाध्यक्ष गया सिंह, थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, मुचकुंद मल्लिक, जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव, अजय भगत, मुखिया देवेंद्र यादव, राम नरेश प्रसाद, अमरेंद्र कुमार राय, आयोजक मंडल के अध्यक्ष बलराम कुमार झा, उपाध्यक्ष मुन्ना शाह, सचिव राजेश शाह, कोषाध्यक्ष रमन कुमार झा, प्रवक्ता राकेश कुमार नायक, मीडिया प्रभारी प्रभुनाथ मिश्र, विकास कुमार झा, व्यवस्थापक गोपाल ठाकुर, अतीबुल रहमान, मुस्तकीम राजा प्रधान, अशोक मिश्र सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। विधानसभा के अंतर्गत मधुबापुर प्रखंड में आज जो अति उत्साहित होकर हमारे नौजवान साथी क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, मैं सभी साथी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ भारत और नेपाल का जो संबंध है बहुत वर्षों से चलता आ रहा है और मैं इस संबंध को और मजबूत कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ और आगे हमारा जो संबंध है बरकरार रहे। और आप युवा का जो मांग है यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए, तो हमने बहुत ही जल्द इस स्टेडियम का प्रस्ताव भेज दिया है और बहुत ही जल्द टेंडर होकर ये आपके बीच उपस्थित खेलने का ग्राउंड बन जाएगा। समय बहुत कम है, आप हमारे मंत्री जी का बात सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होता है लेकिन सभी लोगों का नेताजी सुभाष चंद्र जी के आज जयंती के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोकप्रिय यशस्वी विधायक जो मंच पर आसीन है श्रीमान सुधांशु शेखर जी, हम सभी के मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष लेकिन अभूतपूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी, श्रीमान यहाँ के जो वीडियो हैं वैभव कुमार जी और एसएचओ जो आपको पूरी व्यवस्था में आपको मदद किए हैं, गया सिंह जी, शिव कुमार प्रसाद जी हमारे पार्टी के नेता हैं, सीताराम शाह जी और अजय भगत जी और मिश्री लाल मधुकर जी जो आज भी खींच कर लाने में यहाँ तक बड़ी अहम भूमिका अदा किए हैं, सरवन यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, मुखिया जी लोग जिन लोगों का सम्मान किया गया, सभी सरपंच जी लोग, और मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि चुने हुए सभी जनप्रतिनिधिगण
पूर्व एवं अभूतपूर्व सभी जनप्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित सभी साथीगण, बार बार मंच खाली करने का निर्देश के बावजूद मंच पर डटे हुए हमारे नौजवान साथीगण और जनकपुर से चलकर आए हुए मिथिला टीवी के अपने चेयरमैन साहब, वो मधुबनी से चलकर आए हुए एनएससी कॉलेज के जो हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और सामने बैठे हुए इतने बड़े खेल प्रेमी युवा साथीगण सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पहले कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बेकार, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो उल्टा हो गया, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ने लिखने के बाद हम लोग लगे हुए हैं 20 लाख नौकरी देने के लिए, और पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने उसकी स्वीकृति भी दी है, तो दोनों ही परिस्थिति में अब नवाब ही बनना है, ये तो बिहार की सरकार ने तय कर दिया। तो इसलिए मित्रों, खेल के अंदर भी आज कितना अवसर आया है, किस किस प्रकार का अवसर आया है, लोग कहां से कहां गए हैं। हम यहां आयोजकों से मैं आग्रह करता हूं, मैं सबसे ज्यादा साधुवाद और धन्यवाद यहां के आयोजकों को देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे मैच का आयोजन किया है। और हमको तो आज जब मैं यहां घुस रहा था तो ये ईडन गार्डन से कम नहीं दिख रहा था, और हम तो यहाँ के अपने विधायक जी से आग्रह करेंगे कि मुझे मालूम है कि आपने यहाँ से प्रपोजल भेजा है इसको स्टेडियम बनाने के लिए, आपको जहाँ भी थोड़ी असुविधा नजर आए आप हमारी भी मदद लेंगे, और यहाँ स्टेडियम बनना ही चाहिए और बढ़िया स्टेडियम बनना चाहिए। ये नेपाल के बॉर्डर पर स्थित जगह है, इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व है, और इस बात का जिक्र करते हुए यहाँ स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। हम तो आपसे आग्रह करते हैं, और इस दिशा में जहाँ जहाँ लिखना हो पढ़ना हो इस दिशा में आप कदम उठाएं। और आयोजक बंधु बांधवों से मेरा कहना है कि आप तो कमेंट्री के लिए तो बड़ा अच्छा माइक था, पता नहीं हमारी आवाज पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आग्रह करूंगा कि इनसे मत बुलाकर खेलवा, खेलते अच्छी बात है, खेलना तो जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन कराइए, टीम का रजिस्ट्रेशन कराइए और उनको खिलाइए, न जाने इस मैदान से रोहित शर्मा निकल जाएगा, न जाने इस मैदान से महेंद्र सिंह धोनी निकल जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि आप जो जुनून मैंने देखा है, जिस तरह का मैंने अंतिम 2-3-4 ओवर का खेल देखा है, हम तो अफसोस कर रहे हैं कि मधुकर जी थोड़ा जिद क्यों न किए, पूरा मैच देखने का आज अवसर मिलता, अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, कभी बैक फुट कभी फ्रंट फुट, कभी बाएं हाथ का गेंदबाज कभी दाएं हाथ का गेंदबाज, ये सारा सुनने का जो अवसर वर्षों वर्ष बाद आज इस मैदान में मिला, तो मुझे लगा मैं भी खिलाड़ी बन गया हूँ, और अवसर मिलता तो जरूर खेल भी आजमाने का प्रयास करता। लेकिन मित्रों, मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग टीम का रजिस्ट्रेशन करा कर खेलिए, ये भविष्य लाएगा, और निश्चित रूप से जो हम कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो आप बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब, अब इस नए स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी खेल प्रेमियों को, और हम तो ऐसे कहते हैं कि हम तो मनुष्य रूप में सभी भगवान को देख रहे हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।